देना चाहिए, किस अपराध से हम संलग्न है, क्या किसी ने आज तक कहा क्या कि विजय झा कांटा पर अंगदारी मांगते हैं? किसी मजदूर, किसी दंगल, किसी डीओ होल्डर, किसी ट्रांसपोर्टर ने आज तक कहा क्या? पिछले 10-20 वर्षों में किसी ने मुझे किसी लोडी? नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। धनबाद, कतरास। अपराधी कोई भी हो, उस पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। विजय कुमार झा, पूर्व बियाड़ा अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता विजय कुमार झा ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बाघमारा विधानसभा के विधायक भुल्लू महतो ने बीते 11 सितंबर को प्रेस वार्ता कर कहा कि बाघमारा के विभिन्न स्थानों में 37 बार बम और गोली चालान या बम के धमाके किए गए हैं। विधायक के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में होने वाली घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञात रहे कि बाघमारा विधानसभा के अंतर्गत BCCL के 12 क्षेत्र में से 5 क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कोयला से जुड़ा हुआ है। कोयला लोडिंग स्थल या कोयला से जुड़े व्यवसायियों के साथ ही सभी वारदात हुआ है। अधिकांश वारदात अपना वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में हुआ है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे अपराधी हैं जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं। न्यायालय से कई मुकदमों में सजा भी मिल चुका है, इसके बावजूद भी संगठित अपराध का एक हिस्सा है। और कुछ व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं जिनका संबंध अपराध की दुनिया से है, जिनके परिणाम स्वरूप पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री झा ने DGP, चीफ सेक्रेटरी, धनबाद उपायुक्त व SSP को पत्र के माध्यम से कहा है कि जिन पर 10 से अधिक मामले दर्ज व 2 मामले में सजा थी, उसे तड़ीपार किया जाए। अपराध पर लगाम लगाने के लिए बाघमारा में निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। 10 से अधिक जिन पर अपराधी मुकदमा दर्ज हो, 2 से अधिक मुकदमे में न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त हो, संगठित अपराध को अंजाम देने में बार बार नाम आता हो, लाइसेंसी हथियार प्राप्त व्यक्ति का नाम यदि अपराध में आता है तो उनके हथियार के लाइसेंस को रद्द किया जाए, क्योंकि ऐसे लोग हथियार के माध्यम से लोगों को भयाक्रांत करते हैं और लाइसेंसी हथियार के बल पर भयादोहन करते हैं। ऐसे उपरोक्त सभी व्यक्ति को चिन्हित करके CCA के तहत कार्रवाई कर तड़ीपार किया जाए, तभी बाघमारा में अपराध पर लगाम लगेगा और यहाँ के लोग भयमुक्त होकर अपना जीवन जी सकेंगे और व्यवसाय कर सकेंगे। कानून का एक बार स्थापित करने हेतु संगठित अपराध अपराधी के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। श्री झा ने कहा कि बीते 20 वर्षों में कभी भी किसी कांटा घर के पास मेरी गाड़ी या मुझे कहीं देखा है? मुझे रंगदारी से कोई लेना देना नहीं है। चाहिए किस अपराध से हम संलग्न है, क्या किसी ने आज तक कहा क्या कि विजय झा कांटा पर अंगदारी मांगते हैं? किसी मजदूर, किसी दंगल, किसी डीओ होल्डर, किसी ट्रांसपोर्टर ने आज तक कहा क्या? पिछले 10-20 वर्षों में किसी ने मुझे किसी लोडिंग पॉइंट पर देखा क्या? इसके बावजूद यदि वो नाम लेते हैं, या भय है उनका, क्योंकि पिछले दिनों मैंने PIL किया, तब उनको सजा हुआ 9 अक्टूबर को। पिछले 2 वर्षों 2013 का केस था, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 1 साल में फैसला आना चाहिए था। मैंने 2019 में PIL किया अगस्त में, और 9 अक्टूबर को फैसला आ गया और जिसमें सजा हुई। ये खौफ है उनको। मैं तो प्रशासन को कहता हूँ, अपराध से संबंध यदि विधायक का है उनको तड़ी पार कीजिए, अपराध से संबंध यदि विजय झा का है विजय झा को तड़ी पार कीजिए, अपराध से संबंध यदि जलेश्वर महतो का है तो जलेश्वर महतो को तड़ी पार कीजिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के समक्ष सभी समान है। संविधान का पालन होना चाहिए, कानून का इकबाल स्थापित होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। और 11 सितंबर को बाघमारा विधायक ने PC के द्वारा बताया कि पिछले दिनों कतरास बाघमारा में 37 बार गोली और बम के धमाके हुए हैं। यह आंकड़ा यदि सही है तो यह बहुत गंभीर आंकड़ा है और बहुत डरावना आंकड़ा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि बाघमारा आज अपराध की राजधानी बन गई है, ऐसा हम कह सकते हैं।
उन्होंने यह तो बताया कि 37 बार गोली बम चला है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसको रोकथाम के लिए भविष्य में कैसे बाघमारा को भय मुक्त, आतंक मुक्त, अपराध मुक्त किया जाए। इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं, मैंने कल उपायुक्त धनबाद, SSP धनबाद और आज चीफ सेक्रेटरी झारखंड सरकार और DGP झारखंड सरकार को लिखित आवेदन दिया है और उनसे मांग की है कि इस क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए अस्थायी रूप से लगाम लगाने के लिए और कानून का इकबाल स्थापित करने के लिए 10 से अधिक जिस पर भी आपराधिक मुकदमे हैं और 2 से अधिक न्यायालय द्वारा जिनको आपराधिक मामले में सजा हो चुकी है, ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए और जो संगठित अपराध में जिनका नाम बार बार आता है, ऐसे तमाम लोगों को तड़ी पार किया जाए और जब तक यह कार्रवाई नहीं होगी तब तक बाघमारा शांत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने प्रशासन से निवेदन किया है और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसके लिए न्यायालय का शरण भी मैं जाऊंगा और PIL भी दर्ज करूंगा। आवश्यकता पड़ी तो मैं हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी आदमी का जीवन भयाक्रांत है आज। और अभी अभी 2 तारीख को जो घटना घटी, लोमहर्षक घटना, जो एक नीरज तिवारी व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हुई, इसके बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो यह मेरे जैसे आदमी के लिए संभव नहीं है। और उन्होंने चिंता प्रकट की अपने सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बाघमारा के आवाम का सिक्योरिटी कैसे होगा, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, वह व्यापार व्यवसाय और बच्चे स्कूल जाने वाले कैसे सुरक्षित रहेंगे, इसके लिए उन्होंने कोई योजना नहीं बताई। लेकिन मैं आवाम के लिए चिंतित हूँ, बाघमारा के हर व्यक्ति के लिए चिंतित होती हूँ, मैं अपनी सुरक्षा कर्मी के लिए चिंतित नहीं हूँ कि मुझे कमांडो मिल जाए और मैं सुरक्षित जाऊं और तब न्यायालय में PIL करूंगा। मैं जान को हथेली